everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. मतलब क्वेश्चन है हमारे सामने में क्लियर, और ये 2017 में पूछा हुआ था, दो मार्क्स का क्वेश्चन. बोल क्या आपको क्वेश्चन में, बट फॉर अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी फील्ड इज v इक्वल्स टू दे दिया आपको, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट 1.1 पे आपको क्या निकालना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. बोला कि बहुत सिंपल सा फाइंड आउट कर देंगे. बोला कि क्या कि आपको u दिया हुआ, देखो ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है. आपको ये दिया हुआ है u, और ये दिया हुआ है आपको v. u और v की बात आपको कर रहा है, नहीं दिया हुआ है. बोला कि अब आपको क्या बोल रहे हैं, आपको कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए. नहीं तो अगर हम बात करेंगे ए एक्स की, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई. आपको डेल यू बाई डेल टी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टी का टर्म नहीं है, जीरो हो जाएगा. नहीं तो अगर हम बात करें यू, तो यू कितना हो गया आपका, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई. और डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स, सॉरी दैट इज माइनस टू एक्स, दैट इज माइनस टू एक्स. इज दैट क्लियर. और बोला गया क्या कि प्लस वी, तो v कितना हो गया आपका 2xy, और यहां पे क्या हो गया आपका del u by del y. तो del u by del y जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3. अब आप क्या करेंगे, ax का वैल्यू निकाल लेंगे कहां पे, 1, -1 पे. इसी तरीके से आप ay निकालेंगे कैसे, u del v by del x प्लस v del v by del y, और उसका ही वैल्यू निकाल लेंगे कहां पे, 1, -1 पे. और अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. खत्म बात. क्लियर. देखिए सॉल्यूशन, बोला कि इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो कितना आ गया आपका. देखिए v दिया हुआ आपको, तो u अलग कर लिया और v अलग कर लिया. नहीं बोला कि अगर क्या फाइंड आउट क्या किया आपका, डेल u बाई डेल x कितना आ गया, माइनस टू एक्स. बोला डेल u बाई डेल y, डेल v बाई डेल x, डेल u बाई डेल, पहले इस फॉर्मूले में आई है. मतलब हम सीधा सा बात है, सीधा फॉर्मूले में चलेंगे. मतलब u del u by del x plus v del u by del y. नहीं मतलब अब वैल्यू कितना पुट कर दिया आपको, 1, -1, तो कितना आ गया ये 2. इसी तरीके से ay निकाल लिया, u del v by del x plus v del v by del y. इज दैट क्लियर. और यहां से एक वैल्यू आ गया कितना, 4. तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. इज दैट क्लियर. और जब इसको सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी 2√5. नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर बात है. मतलब बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते थे. क्लियर बात है. ओके, थैंक यू. इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू.